नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम मूंग दाल का हलवा बनाएंगे। हम सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। मूंग दाल, शुगर, दूध, घी, काजू, किशमिश और बादाम। देखिए, ये हमने सूखी दाल ली है, हमने इसको भिगोया नहीं है, इसलिए हम पहले इसको एक कपड़े में रख करके और अच्छे से पोंछ लेंगे। ये हमारी किचन टॉवल है, हम इसमें रख करके इसको अच्छे से पोंछ लेंगे, ताकि इसमें जो भी केमिकल रहता है वो सब निकल जाए अच्छे से। ये देखिए, ये दाल हमारी अच्छे से पोंछ चुकी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने पैन रख दिया है, गैस को ऑन कर देंगे। इसमें डालेंगे ये अपनी मूंग दाल, इसमें अभी घी नहीं ऐड कर रहे हैं। पहले मूंग दाल को इसको हम रोस्ट कर लेंगे, इसका अच्छे से कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे। ये देखिए, ये हमारी दाल भून गई है, अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, मूंग दाल ठंडी हो गई है, ज्यादा ठंडी नहीं है, हल्की गुनगुनी है, पर इतनी ठंडी है कि इसे पीसा जा सके। ये देखिए, दाल पीस चुकी है, इसको हमने दो तीन बार रोक रोक करके इसको पीसा है। चलिए बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। गैस पे हमने पैन रख दिया है, इसमें घी डालेंगे। घी 2 चम्मच लिया है इस चम्मच से। देखिए, घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मूंग दाल। बराबर से चला देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारी पक गई, अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हम धीमी आंच में 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से इसी तरह से चला चला करके सेका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध हमने 1.5 गिलास लिया है। और इसे थोड़ी देर तक चलाएंगे। ये देखिए, गाढ़ी होना भी शुरू हो गई है। अब हम यहीं पे डाल देंगे शक्कर, 2 बड़े चम्मच लिया है। यहीं पे डाल देंगे किशमिश, थोड़े से काजू, बादाम, और इसे हम बराबर से चला देंगे। गैस को बिल्कुल मंदी ही रखना है और इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे जब तक पूरा अच्छे से सूख नहीं जाएगा। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप इसमें सूजी ऐड करना चाहते हैं तो सूजी को पहले भूज लीजिए, इसके बाद दाल को भूज करके और फिर मिक्स करिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया है। चलिए हम चलते हैं प्लेट की तरफ।